कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों में 2 दिवसीय मॉकड्रिल किया जा रहा है। इससे पता चल सके कि आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है। कोरोना काल में बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण संसाधनों की कमी से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसलिए मॉकड्रिल की गई। इसके तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने अस्पताल में कोरोना की आपात स्थितियों से निपटने की स्थितियों का जायजा लिया, विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। मॉक ड्रिल में अस्पतालों में बेड क्षमता, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड, ICU और वेंटिलेटर आदि की उपलब्धता देखी गई। साथ ही अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आयुष डॉक्टर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संख्या का भी पता लगाया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर COVID-19 प्रबंधन पर प्रशिक्षित स्टाफ के साथ रेफरल सेवाओं में एडवांस्ड और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की उपलब्धता, एम्बुलेंस कॉल सेंटर की उपलब्धता देखी जा रही है। हाँ बिल्कुल, आपको भारत शासन के द्वारा निर्देशित किया गया था और साथ में राज्य शासन के द्वारा निर्देशित किया गया था उसी परिपत्र के संदर्भ में कि आज और कल 2 दिन हम लोग को पूरे अपने कोविड से संदर्भित जितनी भी व्यवस्थाएं को सुदृढ़ करना है, उनका मॉकड्रिल करना है। उसी की तारतम्य में आज हमारे हुई थी तो हजीरा में, तो मैं स्वयं उपस्थित था। तो वहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट चेक करा, वो साथ में उसके बाद में उसका लीकेज देखा, कहीं लीकेज वीकेज तो नहीं है, और ICU चेक करा, प्लस HR का स्टाफ की पोजीशन, और जो पृथक से उनने 20 बेड चिन्हित किए हैं वो हमने देखे वहाँ पर, और पूरा एक मॉकड्रिल किया था, मरीज को ले जाके वहाँ एडमिट करा। सेम प्रक्रिया कल हमारे मुरारा जिला अस्पताल में होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें जारी है। इसके साथ साथ पूरा हम लोग को अपना HR का पूरा डेटा उसमें अपलोड करना है विथ कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में जो जो प्रभारी रहेंगे, और मेडिसिन की पूरी व्यवस्था, इसकी हम लोगों ने पूरी आज और कल हम लोग कार्रवाई करेंगे।